नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा कि आप तो यंग एज में बहुत ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कुंडलिनी शक्ति के बारे में कुछ बताइए, क्या आप इसके ज़रिए एक्सपीरियंस किए हैं, ये क्या चीज़ है, क्या कृष्णमूर्ति जो आप यंग में थे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हुई कि क्या हुआ, ये सब चीज़ें केवल झूठ था, ये खाली आपकी कल्पना थी, या ये सब इसके बारे में सच्चाई बताइए। तो ये एक वीडियो था, मैंने देखा तो मुझे इंटरेस्ट जगा, बिकॉज इस तरह की वीडियोस आमतौर पे लोग बहुत सर्च करना चाहते हैं। मैंने देखा भी था जो कृष्णमूर्ति के बाकी वीडियोस होते हैं उनसे ज़्यादा व्यूज़ इस पे थे, बहुत ही रिसेंटली उसको अपलोड किया गया था। तो मुझे लगा क्यूरियसली कि मैं देखूँ कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं इसके बारे में। और बड़ी स्ट्रेंज चीज़ थी, कृष्णमूर्ति जो इसके थ्रू गुजर चुके हैं, इस एक्सपीरियंस के थ्रू, उन्होंने बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही शॉर्ट में बताया कि यस, वो ये सब के थ्रू गुजर चुके हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया पता है, उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ तो क्या सीरियसली आप जानना चाहते हैं, कृष्णमूर्ति बोलते हैं क्या ये आप जानना चाहते हैं सीरियसली, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, बिकॉज हम लोग ऐसी चीज़ों को जानना चाहते हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसकी खाली कल्पना होती है हमारे मन में और उसको हम चाहते हैं। और दूसरी चीज़ कृष्णमूर्ति बोलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं कि ये रिलीज ऑफ एनर्जी है, हमारी एनर्जी अभी भी ब्लॉक्ड है, और जब वो एकदम रिलीज हो जाती है तब उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस ऑफ कुंडलिनी। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ें होती हैं, उसको डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, बोलते हैं इसके चक्कर में मत पड़िए आप। बोलते हैं बहुत सिंपली अगर पुटअप किया जाए तो एक ही चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपकी एनर्जी कहाँ पर ब्लॉक्ड है, आपके गुस्से में, आपके फ्रस्ट्रेशन में, आपके जेलेसी में, आपके कंपैरिजन में, आपके कंपटीशन में, ये सारी की सारी चीज़ें को आपको देखना पड़ेगा कि मेरी इस एनर्जी को, और उसी समय देखना पड़ेगा जिस समय आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, और हम लोग एक दूसरे को देख करके खाली कह रहे हैं कि हाँ मेरी एनर्जी इसमें ब्लॉक्ड है, तब इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे जिस समय मैं एंगर में हूँ उसी समय उसको देख करके मालूम पड़ेगा कि मैं एनर्जी में ब्लॉक्ड हूँ कि नहीं, और यूजुअली ऐसा होता नहीं है। जिस समय वो गुस्सा आता है उस समय दिखता नहीं गुस्सा, जिस समय जेलेसी आती है उस समय बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जिस समय आपको बहुत गुस्सा आता हो उसके बाद देखिए कि क्या आपका कंट्रोल था आपके ऊपर, क्या आपको पता था कि आप गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय नहीं मालूम पड़ता बिल्कुल। तो कुंडलिनी वगैरह के चक्कर में पढ़ने के बजाय आपको पढ़ना चाहिए अपने प्रेजेंट स्टेट के चक्कर में कि आपकी एनर्जी कहाँ पर ब्लॉक्ड है। और लास्ट में कृष्णमूर्ति ने वही चीज़ समझाई जो मुझे लगता है सबसे सेफ है, कि कुंडलिनी नाम से अगर लोग आपको बताते हैं कि मेरा कुंडलिनी खुल गया है, कुंडलिनी खुलने का ये एक्सपीरियंस होता है, ये होता है, वो होता है, इन सब बातों से केवल गुरुज आपको फंसाते हैं, लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं। थोड़े बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंस आदमी को आता है तो उसको मानना शुरू कर देता है कि मेरी कुंडलिनी खुल गई है, और फिर दुकान खोल करके कोई आदमी गुरु बन जाता है, फिर उसके नीचे शिष्य बन जाते हैं, फिर वो सब नाटक चालू होता है। इन सब नाटकों से बचिए, ये सब सवाल आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, और वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन कौन सा है, जो आपकी अभी प्रेजेंट मोमेंट की प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है, फ्यूचर के साथ नहीं, कल्पनाओं के साथ नहीं, रियलिटी के साथ। कुंडलिनी अभी आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी जो है उसको देखिए। थैंक यू दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में जो बुक सीरीज़ है उसको हमको हटाना पड़ रहा है, बिकॉज़ बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि बुक्स लिखती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बुक्स को हम इस तरह से पब्लिक में रीड ना करें। लेकिन आपको अगर ये पूरी की पूरी बुक सीरीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो हमारे साथ प्राइम मेंबर बन जाइए, तो उसमें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी बुक सीरीज़। और अगर आप में से किसी को भी पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए, तो जनों का बेसिक कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।